चलिए बात करेंगे धर्मशाला की। सत्र शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को लेकर घेरने की रणनीति में जुटे हैं। ऐसे बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जयराम सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह ने विपक्ष को नसीहत दी है। क्या कुछ कहा गया देखते हैं। प्रदेश सरकार में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ने विधानसभा सत्र के पहले विपक्ष को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष सदन में हो हल्ला मचाने से बचें और सदन के अंदर सार्थक चर्चा में हिस्सा लें। महेंद्र सिंह ने कहा कि विपक्ष ने एक अलग माहौल पैदा कर दिया है जिसका प्रदेश के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। विपक्ष सदन में चर्चा नहीं करना चाहता और यही वजह है कि कांग्रेस जनता से भी दूर होती जा रही है। विधानसभा के सत्र में कोई तैयारियां थोड़ी की जाती है, ये तो एक रूटीन का मामला है। सत्र चाहे वो बजट का सत्र है, चाहे शीतकालीन सत्र है, चाहे वो हमारा दूसरा रेनी सीजन सत्र है, ये तो चलते रहते हैं। हमारे लिए तो नई बात नहीं है। पक्ष क्या बोलेगा, और चारों सीटें लोकसभा की हारी हैं, दोनों सीटें उपचुनाव की हारी हैं। अब हारा हुआ जुआरी जो है वो जो मर्जी बोल सकता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम मैं एक सलाह देता हूँ विपक्ष वालों को कि उनकी भूमिका किसी हमारे प्रदेश की सरकार को एक दिशा निर्देश दे सकती है, दिशा दे सकती है, लेकिन वो सार्थक भूमिका निभाएं। वो वॉकआउट, अंदर जाना, बाहर जाना, नारे लगाना, उससे प्रदेश मजबूत नहीं होता है, उससे प्रदेश को नुकसान होता है। धर्मशाला में सत्र शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को सदन के अंदर घेरने और कटघरे में खड़े करने की रणनीति बनाने में जुट गए। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जयराम सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह की नसीहत को विपक्ष किस तरह से लेता है, ये तो सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सत्र शुरू होने से पहले महेंद्र सिंह ने विपक्ष की दुखती नस पर हाथ रखकर सरकार का रुख साफ कर दिया है।